हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है हमारा ऑसिलेशन लेसन चालू हो चुका है और ऑसिलेशन का स्टार्टिंग वीडियो आ चुका है और आपने देखा होगा और अच्छे से मेरे ख्याल से प्रिपरेशन भी अच्छे से स्टार्ट कर दिया होगा दोस्तों। ये फिफ्थ लेसन भी आपका स्टार्ट हो गया दोस्तों। तो जो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, यहाँ दो डेरिवेशन एक्सप्रेशन, दो एक्सप्रेशन है, उसमें फर्स्ट हमारा वेलोसिटी इन एसएचएम एंड सेकंड इज डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम। पहला हमारा वेलोसिटी इन एसएचएम और दूसरा हमारा डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम। कल दोस्तों हमने डिफरेंशियल इक्वेशन इन एसएचएम देख लिया था कि एसएचएम का जो डिफरेंशियल इक्वेशन था वो हमने वीडियो उसका बना दिया था और आप तक पहुंच गया है और आपने अच्छे से उसको प्रिपरेशन कर लिया है मेरे ख्याल से, मेरे ख्याल से, क्योंकि आप क्या कर रहे हो आपको ही पता है। तो दोस्तों आज हम आगे क्या करने वाले हैं, वेलोसिटी इन एसएचएम, डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम, क्योंकि हमने एक्सेलरेशन कर लिया है। एक्सेलरेशन के बाद उसका दोस्त बचा वेलोसिटी, वेलोसिटी का दोस्त बचा डिस्प्लेसमेंट। तो सभी दोनों दोस्तों का हमें क्या फाइंड करना है, एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ओके, सबसे पहले वेलोसिटी है, बहुत सिंपल है दोस्तों, एकदम फोकस करके रहा, फोकस लगा, तो फोकस यही होना चाहिए, फोकस लगा रहा तो ये एक्सप्रेशन कुछ नहीं है, चुटकी बजाओगे दो तीन बार और कंप्लीट। तो दोस्तों ध्यान दो, एक्सेलरेशन जो हमने फाइंड किया था इससे पहले वाले वीडियो में, एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। दोस्तों ये आपको याद होना चाहिए, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या था, के अपॉन एम, ये मैंने बताया था, बस याद करके रखो। के भी कांस्टेंट होता है, एम भी कांस्टेंट होता है, देयरफॉर ओमेगा भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ये बस आपको याद होना चाहिए दोस्तों। अब एक्सेलरेशन को मैं ऐसे चेंज कर सकता हूं कि नहीं, मार्कर थोड़ा चेंज करता हूं आपके लिए। मैं एक्सेलरेशन को ऐसे लिख सकता हूं, क्या बताना लिख सकता हूं, डी बाय डी टी लिख सकता हूं, चेंज इन वेलोसिटी, ओके, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ओके। फिर इसके बाद यहां मैं लिखता हूं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब दोस्तों इसमें मैं एक और चेंजेस करूंगा, क्या करूंगा ध्यान देना एकदम अच्छे से, dv by dx and dx by dt। मतलब मैंने क्या किया, मैंने dx से देखो ऐसा किया, ऐसा dv नीचे dt था तो dt को मैंने इधर ले लिया और दोनों साइड ऊपर और नीचे मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, dx से। यहां मल्टीप्लाई किया, यहां क्या किया डिवाइड किया, वहां ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे क्या किया डिवाइड किया, और इसको कट करोगे तो बचेगा यही। दोस्तों ध्यान रखो, अगर हम यहाँ कोई भी चीज अपने मन से ले रहे हैं तो बैलेंस करके लेना पड़ता है, बैलेंस करके लोगे तो ही डेरिवेशन को मतलब नहीं, तो मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता, मैं यहाँ डीएक्स लूंगा, यहाँ मेरे को अच्छा नहीं लगता, सब मैं यहाँ नहीं लूंगा, तो आपके अच्छा नहीं लगने से ये फिजिक्स नहीं चलता दोस्तों। इसीलिए मैंने डीएक्स यहाँ भी लिया, डीएक्स यहाँ भी लिया, दोनों को बैलेंस कर दिया और इक्वल टू क्या आ गया हमारा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओके, अब आगे आते हैं दोस्तों, अब डीएक्स अपॉन डीटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या, आपके समझने के लिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी, गुड, क्या बात है यार, दिल जीत लिया आप लोगों ने। dv अपॉन dx क्या होता है हमारा, वेलोसिटी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। ओके, अब थोड़ा मैं सिस्टमैटिक वे में इसको लिख लेता हूं, कैमरामैन बच्चों को दिखाई दे रहा है क्लियर, तो इसको आगे पीछे लिख लेता हूं, v dv इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x और dx इधर ले लेते हैं हम। ओके, ये मल्टीप्लाई में था, इक्वल की साइड है, डिवाइड में, ध्यान देना vdv मैंने साथ में लिया, dx मल्टीप्लाई में, सॉरी dx डिवाइड में था, इक्वल की साइड है तो मल्टीप्लाई में हो गया। अब दोस्तों अब क्या करूंगा मैं इसको, अब मैं इंटीग्रेट करूंगा, क्या करूंगा मैं इंटीग्रेट करूंगा, बहुत सिंपल है, क्या है इसके अंदर इंटीग्रेट करना है, क्या है ये, इतना सिंपल इंटीग्रेशन तो मेरे सभी स्टूडेंट को आता होगा, vdv कैमरामैन मुझे बता देना अगर मैं आपके एरिया से बाहर जाऊंगा तो मुझे संदेश दे देना, क्योंकि हम थोड़ा एरिया से ज्यादा बाहर चले जाते हैं। चलो हम दोस्तों मैं पहले लिख देता हूं, देखो ओमेगा स्क्वायर, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, तो मैं इसको ऑलरेडी बाहर ही ले लेता हूं। ओके, बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा दोस्तों, एक्स डी एक्स, क्या बचा हमारा, एक्स डी एक्स। ओके, अब आगे चलो थोड़ा मैं इधर करता हूँ, मुझे झुकने में मजा नहीं आता दोस्तों, ऐसे सॉल्व करता हूँ ना। ओके, इंटीग्रेशन वी डी वी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट था इसलिए ऑलरेडी मैंने बाहर ले लिया उसको, हमारा इंटीग्रेशन किस पे बचा, एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेशन वी डी वी क्या होगा, सबको पता है इंटीग्रेशन, तो आप 12th में आपको सबको पता होगा इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, वी स्क्वायर बाय 2, इसको ऊपर 1 ऐड करने का, ये 1 है, 1 में और ऐड करने का और उसी नंबर को से क्या करना, डिवाइड कर देगा। अब आगे माइनस ओमेगा स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा हमारा x स्क्वायर बाय 2, सेम इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या होगा, x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। ए सर ये क्या है, उल्टू बना दिए, ये तो इतना तो मैं समझ गया, ये प्लस c क्या करके रख दिया हम लोगों, टेंशन बढ़ा दिया,
दोस्तों ध्यान दो, ये मैंने सी क्यों लिखा, क्योंकि ये इनडिफिनाइट इंटीग्रल है, मतलब कि इसमें कोई लिमिट अप्लाई है, कहां से कहां तक करना है। जब ऐसा कोई भी इंटीग्रेशन होता है तो हम आगे कांस्टेंट ऐड करते हैं, तो इसलिए मैंने वहां क्या लगा दिया प्लस, मतलब आगे मैंने सी को क्या कर दिया ऐड कर दिया। समझ में आ गई, कोई डेली सब छोटी छोटी चीजें कोई बताता नहीं, मैं बता रहा हूँ ओके, क्योंकि फिजिक्स के साथ मैथ के बारे में इतना डिस्कस नहीं करते, तो हम बताएं इंटीग्रेशन मॉडल। तो दोस्तों आपको समझ गया होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएस क्या होता है, हमारा एक्स स्क्वायर बाई टू, और इस पे कोई लिमिट अप्लाई नहीं किया, इसलिए मैंने आगे कॉन्स्टेंट ऐड करना पड़ता है, इसलिए मैंने प्लस सी लिख दिया। इनडिफिनाइट इंटीग्रल मेरे ख्याल से आपको हो गया होगा, नहीं हो गया होगा तो मैं बता दे रहा हूँ। अब दोस्तों आगे क्या करेंगे, ध्यान देना एकदम फोकस लगा के, अब हमें ये c की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा c की वैल्यू, तो हम लिखेंगे, लिखते हैं टू फाइंड c, c इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1। अब c की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, हमारा मार्कर सब अच्छा नहीं चल रहा है, टू फाइंड c। अब दोस्तों एकदम अब ध्यान दो, मैं यहां कुछ ले रहा हूं x equal to, ये x की वैल्यू है, x equal to plus minus a, बिल्कुल मैं बताता हूं टेंशन मत, एंड v इक्वल टू जीरो। सर ये क्या लेंगे सर, दिमाग खराब हो गया सर, टेंशन मत, इधर इधर ये मान लो ये हमारा मीन पोजीशन, ये हमारा क्या मीन पोजीशन, ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है, कौन सा मोशन, टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये हमारा, ये हमारे दो एक्सट्रीम पोजीशन है, ये दोनों क्या एक्सट्रीम पोजीशन, ये दोनों हमारे क्या एक्सट्रीम पोजीशन। तो ध्यान दो यहां से ये देखो, ये एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब क्या होता है, मीन से लेके जो सबसे सबसे लार्ज, मीन से लेके जो डिस्टेंस होता है, एक्सट्रीम डिस्टेंस होता है, वो मेरे लिए क्या हो गया एम्पलीट्यूड। तो मैंने यहां ले लिया प्लस ए, और ये वाला क्या हो गया माइनस ए। दोस्तों अगर ऑब्जेक्ट एकदम लास्ट पोजीशन में पहुंच गया, मीन पोजीशन से एकदम एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंच गया, तो उसकी वेलोसिटी जीरो, जहां उसकी वेलोसिटी जीरो होगी वहीं से वो वापस रिटर्न आएगा, जहां उसकी वेलोसिटी जीरो होगी वहीं से तो वापस रिटर्न आएगा। तो दोस्तों यहां इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, जगह पे दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पे, दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पे ओके, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। बता दिया, ये जो हमारा ए है ये हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, जो मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड बोलते हैं, क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। तो इस बार कितनी तरह मैंने प्लस में लिखा, इस साइड का लिखा माइनस में लिखा। तो दोस्तों ध्यान देना, अब ऑब्जेक्ट यहां जहां तक ऑब्जेक्ट जाए, मान लो यहां तक गया, यहां तक ऑब्जेक्ट गया, तो यहां एम्पलीट्यूड बनेगा ओके, पर यहां लास्ट जहां तक जाएगा, मतलब जहां तक उसके अंदर एनर्जी होगा वो वहां तक जाएगा, जैसे उसके अंदर की एनर्जी खत्म हो गई, तो एनर्जी जहां खत्म होगा एक्सट्रीम पोजीशन भी खत्म होगा ना, इसीलिए वेलोसिटी मैंने प्लस ए पे और माइनस ए पे क्या लिया जीरो, क्योंकि जहां खत्म होगा या मीन पोजीशन जहां खत्म होगा तभी तो वापस रिटर्न होगा, अगर उसके अंदर एनर्जी भरा ही रहेगा तो आगे दौड़ता चला जाएगा, इसीलिए प्लस माइनस मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है जीरो हो जाता है, क्या हो जाता है एम्पलीट्यूड जीरो, ये दोनों साइड से क्या होता है जीरो। जैसे ही मीन पोजीशन से वो एक्सट्रीम पोजीशन पहुंचता है तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है जीरो, याद रखना एक्सट्रीम पोजीशन मतलब प्लस ए और माइनस ए, तो एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी क्या होती है जीरो, सिंपल सी बात है, वेलोसिटी जीरो नहीं होगी दोस्तों तो एक्सट्रीम पोजीशन थोड़ी होगा, जब तक जीरो जहां जाकर जीरो होगा वही क्या होगा हमारा एक्सट्रीम पोजीशन ओके। तो हम x equal to plus minus a equal to zero put करेंगे इसके अंदर इस वाले equation में, जैसे हमने इस वाले equation में put किया, ध्यान दो v के जगह पे पहला वाला zero हो गया, zero by two तो zero ही होगा, चल लिख देता हूँ मैं, minus omega square x, x के जगह पे दोस्तों क्या put करना है plus minus a, तो direct मैं a square लिखता हूँ क्योंकि square है ओके, तो plus minus है तो plus minus का कोई मतलब ही नहीं ओके, फिर नीचे हमारा two आगे क्या है प्लस प्लस सी ओके, ध्यान दो ये क्या हो जाएगा जीरो, ये क्या बचेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय टू प्लस सी, ये माइनस में इक्वल की साइड आएगा तो क्या होगा प्लस में, तो सी इक्वल टू ये माइनस में होगा क्या माइनस में इक्वल की साइड आएगा तो प्लस में, सी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय टू, किसकी वैल्यू मिल गई सी की वैल्यू मिल गई। अब क्या करेंगे पुट, चलो इसको इक्वेशन दे देता हूं, पुट सेकंड इन फर्स्ट, कैमरा में दिखाई दे रहा बच्चों को दिखाई दे, नीचे तक दिखाई देगा, पुट सेकंड इन फर्स्ट, आप अपना आवाज बोल सकते हो बच्चों को, अपने प्यारे आवाज सुना सकते हो, टेंशन नहीं, पुट सेकंड इन फर्स्ट
क्योंकि आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास c की वैल्यू के लिए c की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। कहां लिखो, कहां लिखो, कहां लिखो, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट का एरिया मैंने बनाया है। मैं यहां लिखू क्या, चलेगा क्या आप लोग को, ये पूरा दिख रहा है? तो चलो चलो फिर मैं यही लिखता हूँ, बाद में देखेंगे। अब सेकेंड हमारे लिए दोस्तों क्या है, बी स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी की वैल्यू दोस्तों क्या आ गई, देखो सी की वैल्यू क्या आ गई हमारे लिए, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय टू। सब में से टू क्या आ गया, सब में टू है ना, तो टू 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 क्या आ गया, कैंसल, टू टू क्या आ गया, कैंसल। अब दोस्तों अब ध्यान दो, अब क्या बचेगा, इस साइड बचा ओमेगा स्क्वायर, ये क्या बचा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ओके अब ध्यान दो दोस्तों, दोनों में से कॉमन, ये पूरा कवर हो रहा है जगह। फिर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, दोनों में से कॉमन क्या है, ये पूरे इक्वेशन में से कॉमन क्या, ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, क्या कॉमन है, ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर मैंने कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मैंने माइनस इसको दे दिया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ध्यान दो दोस्तों, अब मैं क्या करूंगा, अब आगे तो सब बच्चे वाले काम है। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर मुझे यहां पहले ऐसा अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं इसको ऐसे चेंज कर सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे इसलिए चेंज कर सकता हूँ, देखो प्लस को आगे लिखो पीछे लिखो कोई टेंशन नहीं आता, प्लस को आगे लिखो पीछे लिखो कोई मतलब नहीं, आगे वाला मैं इधर लिख देता हूँ। बट अब स्क्वायर इक्वल किस साइड आएगा, तो क्या हो जाएगा उसको, स्क्वायर रूट, क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, चलो स्क्वायर रूट पूरा लिख देता हूँ मैं, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान देना है, देखो इधर से ओमेगा स्क्वायर, मैंने ओमेगा स्क्वायर दोनों में से बाहर निकाला, ओनली क्या निकाला ओमेगा स्क्वायर बाहर निकाला, अंदर क्या बचा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या बचा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब प्लस ए स्क्वायर को आप आगे ले सकते हो, उसको कुछ चेंजेस करने को टेंशन लेने वाली जरूरत है, तो मैंने प्लस ए स्क्वायर को आगे ले लिया, ए आगे रहे तो अच्छा लगता है दोस्तों, ए स्क्वायर आगे ले लिया और माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने पीछे लिख दिया। अब ध्यान दो स्क्वायर इक्वल टू साइड गया, क्या हो गया स्क्वायर रूट हो गया, क्या हो गया स्क्वायर रूट हो गया। अब इधर ध्यान दो ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट के अंदर है, उसको मैं डायरेक्ट बाहर निकाल सकता हूँ, और साथ में हाँ साथ में ये भी लेके आ जाओ, आपको ने तो ये पढ़ा ही होगा ना, जब स्क्वायर इक्वल टू साइड जाता है तो क्या साथ में लेके जाता है, प्लस माइनस भी लेके जाता है ना, क्या साथ में लेके जाता है प्लस माइनस भी लेके जाता है, तो प्लस माइनस अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर ओमेगा प्लस v इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट ओपन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करेंगे फाइनल हमारा क्या आ गया, v इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर रूट में से अगर बाहर निकलेगा तो हमें क्या बच जाएगा ओमेगा, जैसे जैसे रूट फोर को बाहर निकालते हैं तो क्या बचता है टू, स्क्वायर रूट ऑफ फोर टू बचेगा, वैसे ओमेगा स्क्वायर को रूट से बाहर निकालेंगे तो हमें क्या बचेगा ओमेगा। ऐसा बच्चे वाली चीज बताया वैसे कैसे। ओके और ये हो गया हमारे, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। देख लेना दोस्तों कहां से स्टार्ट हुआ, पहले बता देता हूँ, ये देखो ये वाला पार्ट अलग है, ये वाला पार्ट अलग है, ये वाला पार्ट इसका है, ये एरिया इसका है। वैसे तो आप वीडियो आपके पास है, आप देख ही सकते हो, लाइव में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप कहाँ से। तो दोस्तों सबसे पहले एक बार और मैं एक्सप्लेन करूंगा, ये dv by dt को मैंने dx से बैलेंस किया, तो dx upon dt डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम क्या होता है वेलोसिटी, फिर v dv ले लिया और dx को यहां मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसके अंदर एक इंटीग्रेट किया, दोनों साइड मैंने क्या किया इंटीग्रेट किया, ये कांस्टेंट था इसलिए मैंने उसको बाहर निकाल लिया, ये क्या हो गया dx हो गया। फिर इसके बाद दोस्तों मैंने जैसे इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन ऑफ v dv क्या होता है v स्क्वायर / 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है x स्क्वायर / 2 और इंडिफरेंट इंटीग्रल, मतलब इस पे कोई भी मतलब इस पे लिमिट नहीं अप्लाई किया था, इसलिए आगे मैंने एक कांस्टेंट साइन लगा दिया जो हमारा प्लस सीधा। ओके फिर इसके बाद हमें इसकी वैल्यू फाइंड करें, तो इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करें, ऐसा मान के चलते हैं ऑब्जेक्ट है ये मीन पोजीशन है और ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके वेलोसिटी क्या हो जाती है जीरो, वेलोसिटी क्या हो जाती है जीरो, क्योंकि वेलोसिटी जीरो होगी तभी तो रिटर्न आएगा, तो यहां दोनों जगह वेलोसिटी क्या हो गई जीरो हो गई, प्लस ए मतलब डिस्टेंस कितना कवर किया एक्स इक्वल टू प्लस ए एंड माइनस ए, तो एक्स डिस्टेंस प्लस ए माइनस ए और दोनों जगह वेलोसिटी क्या हो गई जीरो, तो बस मैंने यहाँ वैल्यू पुट की, यहाँ वैल्यू पुट की, फिर इसके बाद इससे मैंने सी की वैल्यू निकाल ली और सी की वैल्यू को मैंने फर्स्ट वाले में पुट किया तो हमें क्या आ गया वी आ गया। ओके पुट सेकंड इन फर्स्ट
फिर दोनों साइड से 2 2 2 2 कैंसिल हो गए, फिर क्या v स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बचा, फिर दोनों से मैंने ओमेगा स्क्वायर बाहर निकाली, अंदर क्या बचा माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर बाहर निकाला, पहले बता रहा हूं तो बच्चे बोलेंगे माइनस इधर के, ओमेगा स्क्वायर बाहर निकाला अंदर क्या बचा माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, बस मैंने इसको आगे लिख दिया, a स्क्वायर को आगे लिख लिया, x स्क्वायर को पीछे लिख लिया, फिर स्क्वायर ऊपर की साइड क्या था प्लस माइनस अंडर रूट बचा, प्लस माइनस अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर अंदर वाला स्क्वायर रूट जो है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ओके, फिर इसके बाद ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर रूट के बाहर आ गया तो क्या बचा ओमेगा प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दिस इज एक्सप्रेशन वेलोसिटी इन एसेट चल, ओके। तो दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हो गया, हम चलते हैं सेकंड पार्ट, कैमरामैन आपका हाथ तो नहीं दर्द कर रहा है, ये लास्ट है छोटू सा फोन बोलोगे ना मेरा हाथ दर्द करने लगेगा सर, क्योंकि कैमरा हाथ में पकड़ना पड़ रहा है, चलेगा थोड़ा एडजस्ट कर लोगे, बच्चे आपको दुआ देंगे प्लीज, कैमरा मैन के लिए सूरज जी के लिए कमेंट्स में एक अच्छी अच्छी चीजें लिख दो आप लोग। चलो दोस्तों डिस्प्लेसमेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, डिस्प्लेसमेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हम हेल्प लेंगे वेलोसिटी की, किसका हेल्प आपको पता ही है वेलोसिटी जिधर होता है उसका डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट से बनता है, तो हम यहां भी डिस्प्लेसमेंट का हेल्प लेंगे, तो v इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ओके इसको हटा देता हूं a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, अब दोस्तों क्या करूंगा सेम काम करूंगा दोनों को क्या करूंगा, अब ये हमारा फार्मूला था जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये प्लस माइनस मैं नहीं लूंगा एक ही वैल्यू लेता हूं, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जब मैं सॉल्व करता हूँ तो मैं एक ही पोजीशन पे था लेकर सॉल्व करता हूँ, ओके तो डी वी क्या वी क्या सेम टू सेम, वेलोसिटी को कैसे लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ओके फिर ये हमारा ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके तो दोस्तों ये वाला पार्ट डिवाइड में आ जाएगा, ये कैसे हो जाएगा डी एक्स a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये पार्ट डिवाइड में आएगा, ये पार्ट डिवाइड में देखो ये सर गया तो मल्टीप्लाई में हो गया, ओके अब दोस्तों फिर से क्या करेंगे दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों साइड क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे, जैसे ही हमने इंटीग्रेट किया मैं इसको अलग अलग लिख देता हूँ तो आपको शायद से कुछ याद आ जाएगा, याद नहीं आया तो मार खाओगे आप लोग, राहुल सर मारेंगे आप लोग, इतना मार तो आपको आता होगा, कैमरा मैन भी मार खा सकता है, कैमरा मैन से भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, डर रहा है ये पूछ रहे क्योंकि कैमरा मैन को भी हम लोग नहीं पढ़ाया है भाई, इंसल्ट नहीं कर दे रहा कैमरा मैन, कभी क्वेश्चन पूछा दो ओमेगा इक्वल टू, तो ये हमारा कांस्टेंट था ऑलरेडी मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ, ये डी टी वन डी टी, यहाँ आपको पता है कितना आ जाएगा ये वन डी टी होगा, इसके डायरेक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी टी आ जाएगी, अब चलते हैं आगे की तरफ दोस्तों, हो इधर मैंने इसका लिखा नहीं मैं लिख देता हूँ, ये मैं क्या बताना चाहता हूँ ध्यान दो, वन अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है भाई, क्या फटाफट कमेंट्स करो, जल्दी जल्दी कमेंट्स करो फटाफट, मुझे चाहिए कमेंट्स, ओके आप जो भी ऐसा बोलता है फेंक के मारो या करके मारो तो आप उसको तो सब्सक्राइब कर देते हैं, मैं कभी कर लूँ तो नॉर्मल को सॉल्व भाई पहुँचा मत देना, तो इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये किसका होता है फॉर्मूले है साइन इनवर्स एक्स बाय ए, साइन इनवर्स एक्स बाय ए, और इसका क्या होगा दोस्तों ये ओमेगा ऑलरेडी है और इसका इंटीग्रेशन टी होगा, आपको पता है इंटीग्रेशन वन डी क्या होगा हमारा टी होगा, और पता है ये इस पे लिमिट अप्लाई नहीं किया तो यहाँ भी हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं, यहाँ कांस्टेंट क्या ले लेते हैं अल्फा, यहाँ कांस्टेंट क्या ले लिया यहाँ लिमिट अप्लाई नहीं किया हुआ, इसलिए हमने जब लिमिट अप्लाई नहीं किया होता तो आगे हमने क्या किया इनडिफरेंट इंटीग्रल है तो आगे हमने कांस्टेंट ले लिया, दोस्तों होने जा रहा है खत्म होने जा रहा है, हाँ खत्म होते होते बोल दो फिर बाद में खत्म ही नहीं करते, अब ये साइन इनवर्स इक्वल टू सर जाएगा तो क्या बचेगा एक्स अपॉन ए इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, ओके ओमेगा टी प्लस अल्फा, एक्स इक्वल टू ए डिवाइड में इक्वल ए डिवाइड में है इक्वल टू सर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम, और ये किसके लिए एक्सप्रेशन है डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम, तो दोस्तों आज मुझे दो ही डेरिवेशन करवाना था और दोनों डेरिवेशन मैंने करवा दिया, लेसन बहुत सिंपल है दोस्तों अगर प्रैक्टिस करोगे सही बोलो ये सब जो लेसन है ना दोस्तों स्टार्टिंग में थोड़े बहुत हार्ड तो बोलता नहीं मैं थोड़ा बहुत बहुत वाला बहुत बड़ा वाला अच्छा है तो ये वाला ये छोटा वाला अच्छा है, तो
इन शॉर्ट ये बहुत सिंपल लेसन है दोस्तों, अगर आप घर पर प्रैक्टिस करोगे तो ये सब लेसन स्कोरिंग लेसन है, आपको स्कोर अच्छा खासा दिला सकता है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं खत्म करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्यारा सा नीचे कमेंट्स करो। लास्ट में जय हिंद दोस्तों।